पद पर अखिलेश और मायावती के बीच घमासान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा के लोगों को यूपी की जनता ने नकार दिया। ये नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, सब अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव के अखिलेश के बयान पर उन्होंने कहा है कि वो भाजपा के अध्यक्ष नहीं जो उनकी सलाह लेंगे। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी ने अपना वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कराया, अब इंतजार है कि कब मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी। आज मायावती ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है। इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी ने अपना वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कराया, अब उनको राष्ट्रपति बीजेपी बनाए। आज मायावती ने उसका जवाब दिया, कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है। देखिए, यद्यपि ये सपा का बयान और बसपा का रिएक्शन है, उसमें भाजपा की ओर से कुछ कहा जाए तो आप बहुत उचित तो नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, उनको मुख्यमंत्री के अलावा और कोई स्वप्न अगर दिखाई दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले कम से कम 25 साल तक देश और प्रदेश में शासन करेगी और देश और प्रदेश की भलाई के लिए करेगी, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करेगी। सामाजिक समरसता का एक आदर्श उदाहरण यह दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गरीब कल्याण का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां हम देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रदेश में भी एक रिकॉर्ड अलग अलग क्षेत्र में बनाने का काम किया है। तो यह सब तो राजनीतिक बयानबाजी हैं कि भतीजा कुछ कहेगा तो बुआ कुछ कहेंगी, चाचा कुछ कहेंगे तो भतीजा कुछ कहेगा, तो ये चलता रहेगा। आपने चाचा की बात की, अखिलेश यादव ने कल ये कहा कि बीजेपी को अगर लेना है चाचा को तो जल्दी ले ले। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं कि वो हमको सलाह देंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी के सलाहकार नहीं है, उन्हें जो कुछ करना है वो अपनी पार्टी के भीतर देखे, वहाँ पर जिस तरह की स्थिति उसे ठीक करे और बीजेपी को क्या निर्णय लेना है ये पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग तय करेंगे। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो एक तरफ जहां बुआ बबुआ वार पलटवार कर रहे हैं तो वहीं इस मामले में ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दे दिया है। बसपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि ये लुका छुपी का खेल है। इसके अलावा उन्होंने चाचा भतीजे के झगड़े पर भी बात रखी। मायावती जी का बयान आया कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है, तो कोई तो रोक नहीं रहा है कि आप प्रधानमंत्री मत बनो, मुख्यमंत्री मत बनो, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करो और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखो। परिवार का झगड़ा है, चाचा भतीजा का झगड़ा है, उसमें हम लोग दखल अंदाजी देंगे तो हम ही लोग बेकूफ़ बन जाएंगे, वो तो दोनों एक हो जाएंगे।